मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट होम। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण कुछ नियम बतलाने जा रहे हैं, जिसमें सिंगुलर नाउन को प्लुरल फॉर्म यानी प्लुरल नाउन्स के रूप में हम कैसे बदलेंगे, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं और देखते हैं सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन्स में बदलने के लिए हमारे लिए क्या आज रूल्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी सी दैट वन एंड मोर देन वन नाउन्स, यानी एक और एक से अनेक नाउन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रूल ऑफ टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लुरल नाउन्स, ठीक है, ये हम सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन में हम कन्वर्ट करेंगे जो नाउन हमारा दिया रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट आवर रूल इज हियर, रूल नंबर वन, व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर दैट मींस वन नाउन टू प्लुरल दैट मींस मैनी नाउन्स, वी जनरली एडेड एंड ऑफ नाउन end of singular nouns what only for s to the end of the singular nouns, that means जो word मेरे प्यारे बच्चों singular nouns का दिया रहेगा, generally उसको plural का form बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंत में s जोड़ देते हैं, तो वो plural forms आ जाता है। For example, here we see that number one flower, the plural form of flower is f l o w e r, only for adding the singular words s. Next example is car, so the plural form of car only adding s. इस प्रकार से हमारा बहुत सारा ये जनरली हम इसी का यूज करते हैं और इसको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम हम लोग एस लगाकर ही सिंगुलर नाउन्स को प्लुरल फॉर्म में बदलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ई टी सी यानी एक्स एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट रूल इज आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर टू, इफ अ सिंगुलर वर्ड्स एंड्स विद लेटर एस, double s, sh, sorry ch, sh, o and x, we generally added end of word only for es to the end of the given singular words. That means जो singular nouns दिया हुआ है हमारा, अगर उस singular nouns के end में letters अगर s हो, double s हो, सी एच हो, एस एच हो, या हमारा ओ हो और एक्स हो, तो उस नाउन्स को, उस नाउन्स का प्लुरल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो सिंगुलर नाउन्स है उसके अंत में ई एस को एड कर देंगे, ई एस को प्लस कर देंगे, एड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हियर इज बस, तो वी सी दैट द लेटर बस नाउन बस इंड लेटर इज एस, सो हियर इज आवर रूल इज एस, अगर एस रहे तो मेरा नियम क्या कहता है कि अंत में अगर एस रहता है तो उसमें हम लोग ई एस लगा देंगे, तो हमारा यहाँ क्या है, बी यू एस लास्ट में एस है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस, ई एस, बसेस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ग्लासेस, ग्लास है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर नाउन्स का एंड में हमारा डबल एस है, तो डबल एस रहने से मेरा रूल नंबर दो कहता है
कि इसमें कुछ नहीं करना है, कि ये जो ग्लास है इसको ग्लास आप लिखिए और इसके अंत में ES लगा दीजिए, हमारा ग्लास का ये प्लुरल फॉर्म बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों बेंच। तो बेंच में भी जो सिंगुलर वर्ड है तो इसमें देखिए इंड में CH है और हमारा यहाँ बोलता है कि इंड में अगर CH है तो इसको प्लुरल फॉर्म में बनाने के लिए ओनली फॉर ऐड करना है हमको ES। तो ये बेंच है, तो ये बेंच हमारा लिखा है BENCH और ओनली फॉर इसमें ऐड कर देंगे ES, तो हमारा वो हो गया बेंचेज। दूसरा एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों बस, बुस। तो बुस जो है इसका इंड में लेटर में SH है, तो SH रहने से हमारा दूसरा नियम कहता है कि हमको उसमें कुछ नहीं करना है। ये बुस है तो इसको बुस ही रहने देते हैं और इस पर ओनली फॉर ES हम एडिंग कर देते हैं। दूसरा पांचवा एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों OX यानी ऑक्स। तो ऑक्स जो है तो ऑक्स का हमारा प्लुरल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए यहां पर हमारा दूसरा नियम कहता है इंड में अगर सिंगुलर नाउंस के इंड में अगर ओ हो सॉरी एक्स हो तो इसका भी प्लुरल फॉर्म में बनाने के लिए ओनली फॉर इसमें हम ऐड कर देंगे ES। तो ऑक्स था ही, इसमें ई एड हम ES लगा दिए तो हमारा ऑक्स का प्लुरल फॉर्म मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों छठा वाला सिक्स नंबर का एग्जांपल है हमारा बंबू। तो बंबू, तो हियर वी सी दैट आवर रूल इज इंड ऑफ लेटर ओ है ना, यानी सिंगुलर नाउन का अगर हमको अंतिम में अगर ओ रहता है तो इसका भी सेकेंड रूल हमको ये बतलाता है कि ऐसा अगर रहे तो हम इसमें ओनली फॉर ई एस जोड़ देंगे। तो बंबू का हम अगर निकालते हैं BAMBOO तो इसमें ओनली फॉर हम ES लगा देंगे। तो इस तरह से एक्सेट्रा हमारा आते रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा दो महत्वपूर्ण रूल्स था सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन में बदलने के लिए। एक बार और हम बतला देते हैं रूल नंबर वन क्या है। While changing from singular noun to plural noun, we generally add s to the end of the singular nouns. Singular nouns में लगभग हम लोग जनरली क्या करते हैं, s लगा देते हैं उसको plural form बनाने के लिए। इसमें बहुत सारा examples होगा, हमने दो example दिया और etc. हमने लिख दिया। सेकेंड रूल हमारा क्या है कि इफ ए सिंगुलर वर्ड्स इंड्स विथ द लेटर एस डबल एस सी एच एस एच ओ एंड एक्स वी जनरली एड इट्स मेक इट्स प्लुरल फॉर्म ई एस यानी टू द एंड ऑफ द गिवन सिंगुलर वर्ड्स। अगर हमारा किसी भी सिंगुलर वर्ड्स के आगे अंत में लेटर एस हो डबल एस ओ सी एच हो एस एच हो एक्स हो या ओ हो तो वैसे सिंगुलर नाउन्स को प्लुरल में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल उसके अंत में ई एस हम जोड़ देंगे। तो वे सारे सिंगुलर जो वर्ड्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लुरल फॉर्म्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आज का हम लोग का वीडियो में दो महत्वपूर्ण रूल्स जिससे हम लोग सिंगुलर नाउन्स को प्लुरल नाउन में बदलते हैं। इसके अगला वीडियो में और हम रूल्स लेकर आएंगे तो इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए और मेरा YouTube चैनल रजा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करने जाएंगे लाल कलर का बटन को आप दबाएंगे तो आपको और एक बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी, आप उस घंटी को टच करेंगे तीन ऑप्शन आएगा जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फ़ायदा ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूँगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और सबसे पहले वीडियो देख करके आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने परीक्षाओं में अच्छे
अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।